नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 31 मई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं टॉप 22-25 न्यूज़, आज भी वैसे ही हम 20 से 25 न्यूज़ कवर करेंगे, जिससे आपका पूरा इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर कवर हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों, वीडियो पर लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो पर। दोस्तों, व्यूज़ तो आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आपको सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को, ताकि मैं इस टाइप के वीडियोस अगर और बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब इंडियाज ग्रोथ मोमेंटम में कंटिन्यू इन FY24। देखिए, आरबीआई ने कुछ रिस्क का पहले तो आरबीआई ने बोला है कि 6.5% हमारा ग्रोथ का परसेंटेज है। उसके बाद कुछ रिस्क को आरबीआई ने हाईलाइट किया, दैट इज़ अगर मान लीजिए जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो जाता है, इन्फ्लेशन एस्केलेट हो जाता है, या तो फिर एल नीनो का इफेक्ट के कारण, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत पुल डाउन कर सकती ग्रोथ को। बट 6.5% पे आरबीआई अभी भी अड़ी हुई है। सस्टेन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स आरबीआई ने पॉइंट आउट किया? रिस्क टू इन्फ्लेशन मॉडरेटेड, स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स, हेल्दी कॉर्पोरेट सेक्टर बैलेंस शीट्स एंड रोल आउट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। उसके बाद आरबीआई ने ये भी कहा कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो काफ़ी अभी अच्छे पोजिशन में है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट वेज फ्लैट्स रजिस्ट्रेशन इवन इफ डेवलपर इंसॉल्वेंट। देखिए, एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हो रहा है NCLT में। एक्चुअली NCLT में आपको बता देता हूँ रूल क्या रहता है। अगर कोई बायर अगर NCLT में चल जाता है खुद का इंसॉल्वेंसी कराने के लिए सिर्फ में, तो उससे क्या होता है, जैसे कि अभी गो एयर गया, तो इससे क्या हुआ, गो एयर का इंसॉल्वेंसी के कारण उसके एसेट्स मॉरेटोरियम में चले गए। वैसे क्या होता है, होम बायर्स जो रहते हैं, जब रियल एस्टेट की कंपनीज अगर नहीं बना पाते टाइम घर पे, तो वो लोग फिर इंसॉल्वेंसी के लिए चल जाते हैं। इंसॉल्वेंसी से होता क्या है, जब तक क्रेडिटर्स जो कि होम बायर्स है इंडिविजुअली अपने कंसेंसस एग्रीमेंट में नहीं आ पाते, तब तक उस एसेट को कोई हाथ नहीं लगा सकता। होम बायर्स जो हम और आप जैसे लोग हैं जिनके पैसे लगी हुई है, हम ये चीज़ नहीं चाहते कि भाई हमारा पैसा ऐसे अटक जाए, तो हम ये चीज़ बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, बीच का कोई सोल्यूशन आ जाए। इसीलिए NCLT भी एक प्रपोजल लेके आ रहे हैं कि भाई हम क्यों ना ऐसा करें कि फ्लैट का रजिस्ट्रेशन ऑन रहेगा, अगर मान लो आपका इंसॉल्वेंसी के लिए अगर कोई कंपनी चल भी जाता है तो ये फ्लैट का रजिस्ट्रेशन रुकेगा नहीं। फिर एक जो थॉट प्रोसेस है कि भाई एक बार जब बायर अगर स्टॉक एक बार जब बायर फ्लैट के लिए पैसा दे देता है तो वो एसेट हो जाता है, वो स्टॉक के पे नहीं कहलाता। बट ये चीज़ मानना पड़ेगा NCLT को कि भाई ये जो ये जो स्टॉक है फ्लैट्स वगैरह का, ये एज ए स्टॉक ट्रीट किया जाए, एज एन एसेट ट्रीट नहीं किया जाए, क्योंकि अगर एसेट ट्रीट करेंगे तो फिर उस पर वापस से मोरेटोरियम लग जाएगा। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दूं तो GT जो कि ग्रैंड थॉर्नटन है, उस ग्रैंड थॉर्नटन भारत, उसके तहत 23% जो इंसॉल्वेंसी के केसेस होते हैं वो रियल एस्टेट के होते हैं, और उसमें सिर्फ 13% रिकवरी हो पाता है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट अमंग्स द इंडस्ट्रीज। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मिनिस्ट्री ने ये चीज़ का स्टेप लिया है। आगे बढ़ते दोस्तों मुझे पता नहीं कवर हुआ है कि नहीं, बट फिर भी मैं आपको वापस ये न्यूज़ को कवर कर देता हूँ। गवर्नमेंट टू सर्टिफाई परमिसेबल ऑनलाइन गेम्स फॉर नाउ। देखिए, एप्पल और गूगल को कुछ गाइडलाइंस गए थे कि भाई इंडियन ऐप्स को बैन कर देने के लिए। गूगल ने तो कर दिया। एप्पल ने साइड किया कि भाई सिंस दीज ऐप्स आर वर्किंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वी आर नॉट गोइंग टू बैन इट, वी आर स्टिल इंट्रोस्पेक्टिंग इट। सो दे ऑल्सो साइटेड दैट दे आर वेटिंग फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस who will regulate these companies or these betting platforms। तो उनका ये कहने कि भाई हम अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या गाइडलाइन लेके आते हैं। तो एप्पल का जो मिनिस्ट्री का ये चीज़ कहना है कि भाई आप इनके लिए वेट नहीं करोगे, हम आपको अभी गाइडलाइन दे रहे हैं फॉर द टाइमिंग, आप इस ऐप्स को तो तुरंत बैन करना चालू करो। दोस्तों, क्या है कि गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ लक, ये काफ़ी अभी न्यूज़ में है। मिनिस्ट्री ये चीज़ नहीं चाहती है कि लोग अपने अपने एक प्रॉपर हार्ड एंड मनी इस बेटिंग के थ्रू प्लेटफॉर्म में लूज़ करें, तो इसीलिए वो गाइडलाइंस को लेकर थोड़ी अभी स्ट्रिक्ट हो रखी है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नाउ दैट व्हाट्सएप मीन्स बिजनेस, SME इज हर्टिंग। देखिए, व्हाट्सएप में एक्चुअली क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप अब अपने बिजनेस अकाउंट के लिए चार्जेस लेके आएगा, कुछ पैसे में लेके आएगा पर कॉन्वर्सेशन या पर मैसेजेस। तो ये आपका कितना पैसा है वो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा है कि हर एक यूटिलिटी मैसेज या हर एक नॉर्मल प्रमोशनल मैसेज के लिए व्हाट्सएप चार्ज किया जाएगा बिजनेस अकाउंट में।
तो इससे क्या होगा, एसएमएस वगैरह क्योंकि आजकल बहुत डिपेंडेंट हो गए व्हाट्सएप पे प्रमोशन के लिए, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अब उन्हें हर्ट हो रहा है ये सब चीज़ की, भाई उनकी मार्जिन अभी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी अगर ये सब चीज़ के उनको चार्जेस पे करना पड़ेगा तो। है बाद में मतलब इस पैसे को सेल कर देती है, डॉलर्स को सेल कर देती है और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को डिविडेंड बांट देती है। ये हर साल का टाइम है, ऐसा नहीं कि इस साल बांट रही है बस, ये हर साल आरबीआई अपने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से बांटती रहती है। आरबीआई काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करके रखता है दोस्तों, जैसे कि प्राइवेट बॉन्ड्स हो गया या कोई अदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होगा या डॉलर्स हो गया, ये कई सारे, या गोल्ड हो गया, कई सारी चीज़ों में आरबीआई इन्वेस्ट करके रखता है। नेक्स्ट दोस्तों, आरबीआई टू मैप आउट बिगर ग्लोबल प्ले फॉर ग्लोबल सिस्टम्स। देखिए आरबीआई का ये चीज़ है कि भाई अभी जो यूपीआई है आरबीआई को एक ग्लोबल लेवल में लेके जाना है, सो दैट जैसे कि स्विफ्ट वगैरह का जो सिस्टम है पूरे ग्लोबल लेवल में चलता है, यूपीआई भी ग्लोबल लेवल में चले। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ यूपीआई है, बाहर में एक ऐसा फास्ट पेमेंट सिस्टम करके भी एक सिस्टम है जिसपे लोग जो है ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आरबीआई का ये चीज़ कहना है कि भाई यूपीआई को एफपीएस के साथ लिंक करना है ताकि हमारे ओवरऑल जो है एक प्लेटफॉर्म डेवलप हो पाए जिससे ट्रांजैक्शन फटाफट हो। नेक्स्ट दोस्तों, आरबीआई टू एंश्योर गवर्नमेंट्स फंड रेज इज स्मूथ डिस्पाइट ग्लोबल कंसर्न्स। देखिए ये एक अच्छा न्यूज़ है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट के पास अभी थोड़े फंडिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि डेट गवर्नमेंट का ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है। गवर्नमेंट और कहाँ से पैसे लेगा, गवर्नमेंट अगर जीएसटी से पैसे लेता है तो वो भी ऑल टाइम हाई में चल रहा है, बट फिर भी गवर्नमेंट के पास सफिशियंट पैसे नहीं है कि हर चीज़ को फंड कर पाए। आरबीआई जो है, आपको पता होगा कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट का एक क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का लोन को अच्छे से मैनेज करते हैं आरबीआई, तो इससे क्या हो रहा है कि आरबीआई चाह रहा है कि भाई हम इंश्योर करें कैसे कि ग्लोबल कंसर्न्स के बावजूद भी इंडिया में फंडिंग की कमी ना रहे। अब कैसे कैसे आरबीआई इंश्योर कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहला तो आरबीआई ये चीज़ कर रहा है कि 15.43 लाख करोड़ जो है बॉन्ड्स इस साल इशू कर रहा है कंपेयर टू 14.2 लाख जो पिछले साल था। फिर आरबीआई जो है एक रिटेल ऐप लेके आ रहा है कि भाई जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे आपको पता होगा रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या होता है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम मतलब गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड में हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सके, तो आरबीआई कह रहा है कि भाई इसे हम एज एन ऐप के थ्रू भी अगर हम लेके आए तो काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ में एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि आरबीआई इन्वेस्ट करता है अलग अलग कंट्रीज़ के बॉन्ड में, सो दैट उनकी बॉन्ड की जब मैच्योरिटी आने वाली रहेगी या उनकी बॉन्ड के जब वैल्यूज़ अच्छे हो जाएंगे तब उसको रियलाइज़ करा के आरबीआई प्रॉफिट कमा के गवर्नमेंट को फंडिंग दें। तो ये कुछ प्रकार है जिससे आरबीआई इंश्योर कर रहा है कि गवर्नमेंट की फंडिंग चलती रहे। और एक चीज़ है कि एक सिमिलर आर्टिकल है, सेंट्रल बैंक प्रिपेयरिंग फॉर रेनी डे। रेनी डे मतलब वो विंटर सीजन, सॉरी वो रेनी डे के प्रिपरेशन नहीं कर रहा है बेसिकली, वो ये चीज़ कहना है कि भाई जब क्रंचेज आने लगेंगे, फाइनेंशियल क्रंचेज आने लगेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो किस हिसाब से अपना फंडिंग को अरेंज करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आरबीआई ने 87,500 करोड़ के आसपास इस बार डिविडेंड दिया है। फिर एक होता है कॉन्टिजेंट रिस्क बफर। कॉन्टिजेंट रिस्क बफर क्या होता है दोस्तों, कि आरबीआई अपने इंपॉर्टेंट खर्चों को मतलब इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड को मीट करने के लिए एक बफर बनाता है, दैट इज़ नोन एज कॉन्टिजेंट रिस्क बफर। इसका रेंज जो है 5.5 to 6.5% इसके आसपास होता है। आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में उसे अभी 6% तक ले गए, मतलब रेंज के अंदर ही है बट वो 6% तक अभी ले गए क्योंकि कम था, अभी लगभग 5.5% के आसपास था, आरबीआई ने उसे और अपना जो प्रॉफिट हुआ डॉलर्स बेच के वो 6% के आसपास हो गया। डॉलर्स आरबीआई ने कितना में बेचा, कितना बेचा, 200 बिलियन डॉलर्स हम लोग ने लगभग बेचा है इस बार, ताकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी डॉलर क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई में चल रहा है तो इसलिए हमारा प्रॉफिट बुक करने के लिए आरबीआई ने इतना डॉलर्स बेचा।
बट आरबीआई का कहना है कि एक चीज़ का प्रॉब्लम, मतलब एनालिस्ट का कहना है कि एक चीज़ का प्रॉब्लम है अभी भी आरबीआई के बैलेंस शीट में, दैट इज़ देयर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। आरबीआई ने भी कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, कुछ कंपनीज के बॉन्ड खरीद रखे, तो वो सब से क्या होगा कि भाई जो बॉन्ड्स जब आप सेल करना चाहोगे तो हो सकता है वो सब में अभी थोड़ी लिक्विडिटी क्रंचेज है वो सब कंपनी में, तो बॉन्ड के वैल्यूज आपको इतने अच्छे से रियलाइज नहीं हो पाए। ठीक है, एक और कंसेप्ट है दोस्तों स्विच ऑपरेशंस का। आरबीआई क्या कहता है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है ना, वो जब मैच्योरिटी के आसपास आने लगता है तो आरबीआई क्या करता है, देखिए आरबीआई गवर्नमेंट को बॉन्ड इशू करता है कि भाई आप जो है आरबीआई गवर्नमेंट से बॉन्ड परचेज करता है, तो जब बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, सपोज मान लीजिए गवर्नमेंट 1,00,000 करोड़ का बॉन्ड इशू किया, तो आरबीआई उस बॉन्ड को खरीद लेगा। आरबीआई जब उस बॉन्ड को खरीद लेगा तो आरबीआई गवर्नमेंट को कुछ पैसे दे देगा। अब क्या होता है स्विच ऑपरेशन का मतलब, जब मेच्योरिटी आने वाला रहता है तो गवर्नमेंट उस बॉन्ड को रिडीम कर देती है आरबीआई के पैसे से एंड वापस से फिर आरबीआई को उस पैसे को लौटा देती है। ठीक है, तो ऐसे क्या रहता है कि एक बार जो आरबीआई ने जो इनिशियली जो बॉन्ड खरीद के जो पैसा दिया था गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट के पास ही रह जाता है, तो इसे बोलते हैं स्विच ऑपरेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट भी इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव रहेगा, थोड़ा सरप्लस जा सकता है इस बार करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जितना आपने ट्रेड में कमाया, एज इन जितना आपने ट्रेड इंपोर्ट किया वर्सेस जितना आपने एक्सपोर्ट किया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी इस बार सोच रहे कि पॉजिटिव होगा ही होगा। अगेन उसमें ट्रेड में कई सारे और भी चीज़ें होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हो गया, रेमिटेंसेज हो गया, उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के। फिर एक है नेक्स्ट न्यूज़, रेजोल्यूशन इकोसिस्टम टू गेट अ फिलिप विथ न्यू रूल्स। देखिए एक्चुअली आरबीआई ये चीज़ चाह रहा है कि जो एनपीएस वगैरह है उसके सिक्योरिटाइजेशन होने लगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें, एनपीए एक जब एक कोई अकाउंट डिक्लेयर होता है ठीक है, तो उस पर ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी रियलाइज नहीं होगा, कुछ तो रियलाइज होगा ही। एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मान लो अगर वो एनपीए है 1,00,000 रुपये का, तो वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनको 70,000 रुपये में। 70,000 रुपये का जो फंडिंग, जो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल कहाँ से लेकर आते हैं, वो लोग खुद अपने आप में बॉन्ड इशू करके रखते हैं। बॉन्ड इशू इसलिए करके रखते हैं वो लोग क्योंकि वो बॉन्ड से वो फंडिंग उठाते हैं और फिर इस एनपीए लोन को खरीद लेती है। अब इस एनपीए लोन से क्या होता है दोस्तों कि ये 70,000 रुपया जो है इससे रियलाइज करा के बॉन्ड होल्डर्स लोग को पैसा देती रहती है, ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। अब इनके पास एसेट क्या है, एसेट वही है जो कि उन्होंने बैंक के पास गिरवी रख रखा था, तो ये भी कोलैटरलाइज्ड हुआ बट इसका सिक्योरिटाइजेशन हो गया, एज इन इसके बिहाफ में एक सिक्योरिटी इशू हो गया। तो आरबीआई ये चीज़ कह रही है कि भाई अब हम जो है एनपीएस के अगेंस्ट भी सिक्योरिटाइजेशन करना चालू करेंगे, छोटे छोटे जो एनपीए के जो अकाउंट्स है। ठीक है, आरबीआई कहते हैं कि एआरसी जो रहता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, बट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में सिक्योरिटीज इशू नहीं होते, उनका बस इन्वेस्टमेंट रहता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो बड़े बड़े बैंक्स ने उस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो जैसे NARCL जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ बॉडी है, तो वो सब कंपनीज गवर्नमेंट के द्वारा या बड़े बड़े प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा करते हैं, उसमें सिक्योरिटीज इशू नहीं होते, इसमें प्रॉपर सिक्योरिटीज आपको इशू होंगे, दैट इज डेट के फॉर्म में आपको सिक्योरिटीज इशू होंगे। फिर एक चीज़ है, इंडिया में लिंक लोकल लिथियम प्राइस विथ लंडन एक्सचेंज। देखिए लिथियम अब एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा इंडिया में, जो रिजर्व से वो काफ़ी ढूंढा जा रहा है जोर शोर से, अब जो रिजर्व जो ढूंढ चुके हैं हम ऑलरेडी, उसका भी तो बिडिंग करना है, उसके भी तो प्राइसेस हमें कहीं से डिराइव करना है, तो उसी कारण जो है इंडिया जो है अब जो लिथियम प्राइसेस अपने लंडन मार्केट एक्सचेंज से लिंक करेगा। अगर इसके प्रोविजंस की बात करें दोस्तों, तो लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं, वो किससे लिंक रहता है, वो एवरेज सेलिंग प्राइस से लिंक रहता है, एंड वो कौन से एक्ट के थ्रू है, मिनरल्स अदर देन एटॉमिक एंड हाइड्रोकार्बन्स एनर्जी मिनरल्स कैलकुलेट कंसेशन रूल्स 2016। तो इसके तहत अभी जो है प्राइसेस डिसाइड होते हैं, तो अब इसी चीज़ को एक्ट के तहत, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए एक्ट में ये चीज़ लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो प्राइसेस पब्लिश रहती है, वो एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई उसी प्राइस को पब्लिश करेगा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ठीक है, तो अब क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए ये चीज़ है, एंड लिथियम के लिए तो मैंने आपको बताया है कि वो लंडन एक्सचेंज से अब लिंक हो जाएगा, तो अब
इसी चीज को लेके कि भाई काफी कंपेटिटिव बीडिंग हो, इसलिए हम लिंक कर रहे हैं इसे प्राइसेस को। नेक्स्ट इज दोस्तों, गवर्नमेंट नोटिफाइज PLI 2 फॉर IT हार्डवेयर विद आउटले ऑफ 17,000 करोड़। मैंने आपको बताया था कि PLI जो है IT हार्डवेयर के लिए पहले आने वाला था, और अब जो है गवर्नमेंट नोटिफाई कर चुका है PLI IT हार्डवेयर के लिए। क्या पहले नहीं था? था, बट वो ना 2% के आसपास था, अभी उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया है। 17,000 करोड़ का बजट इसमें एलोकेट हुआ है। इससे क्या होगा, जो कंपनीज आपके जो डेल हो गए या HP हो गए, ये लोग को इंसेंटिव मिलेगा कि भाई हम इंडिया में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए 2023-24-25 को आपको एक बेस ईयर मानना पड़ेगा, एंड उससे फिर आप 3 साल कैलकुलेट कर सकते हो अपने इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए, इंक्रीमेंटल अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए, ताकि आप क्लेम करो अपना बेनिफिट इस PLI स्कीम के तहत। नेक्स्ट इज दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर स्टार्ट टुमारो। देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है ग्लोबली अगर देखा जाए तो। इंडिया का एम है कि हम 20% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को कैप्चर करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट लगभग कितना है, $100 बिलियन के आसपास है टोटल ग्लोबली, और इंडिया में अभी जो प्रेजेंट जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो लगभग 350 मिलियन के आसपास हो रहा है। तो इंडिया ये चीज़ चाहता है कि हम ये रिपेयरिंग वाले इंडस्ट्री को थोड़ा सा और पेनिट्रेट करें, और हम थोड़ा सा और अपना शेयर बढ़ाएं इस चीज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, ट्राई टू स्ट्रेंथन पैरामीटर्स फॉर बेटर सर्विसेज। ट्राई जो है दोस्तों चाह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस नॉर्म्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करें। आप देखते होंगे कई बार आपके और हमारे कॉल ड्रॉप्स हो जाते हैं जब आप कॉल पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो कॉल लगता है या कॉल बात करते रहते हो, कॉल अपने आप ड्रॉप हो जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों को काफ़ी डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है। लोग ये चीज़ जज नहीं कर पा रहे कि भाई कौन सा अच्छा सर्विस है कौन सा खराब सर्विस है, क्योंकि ये सब के कोई डिफाइंड पैरामीटर्स नहीं है। तो इसीलिए ट्राई अभी अपने एक डिफाइंड पैरामीटर्स लेके आएगा, ताकि उसके तहत हर एक टेलीकॉम कंपनी को रेटिंग मिले, ताकि वो लोग भी है कंज्यूमर्स को प्रॉपर सर्व कर पाए। फिलहाल तो अभी नहीं है, ट्राई ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई फिलहाल अभी नहीं है, बट आप तो भी इंश्योर करें कि कंज्यूमर्स को बेटर सर्विस मिल रही है। नेक्स्ट दोस्तों, जापान आस्क इंडिया टू रिसाइन प्लान टू अपील ICT रूलिंग एट WTO। देखिए इसका मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। जापान, EU और ताइवान इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंडिया ने जो ड्यूटी बढ़ा के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ICT टूल्स के ऊपर जो इंडिया ने ड्यूटी बढ़ा के लगभग 20% कर चुका है वो गलत है। इनका ये चीज़ कहना है कि भाई जो इंडिया का ये कहना है कि भाई हम लोग ने जो अग्रीमेंट किया था उस समय फ़ोन वगैरह नहीं थे या ICT का बेसिकली नहीं था, तो हम और ICT के फिर इसके मतलब ICT के जो इम्प्लीमेंट्स या टूल्स है वो इसमें कवर्ड नहीं है अग्रीमेंट में। तो इंडिया ने कहा हमने इसीलिए इम्पोज किया, बट इनका ये कहना है कि EU, ताइवान और जापान का ये चीज़ कहना है कि नहीं, इंडिया ने वायलेट किया WTO के अग्रीमेंट को। फिर इंडिया ने बोला कि ठीक है अगर आप ऐसा बोलते हो तो WTO का पैनल के से पूछ लेते। पैनल ने इंडिया के अगेंस्ट एक मतलब यू नो डिसीजन दे दिया कि भाई इंडिया का जो इम्पोज करने वाला चीज़ है वो गलत है। अब इंडिया क्या किया, इंडिया ने इस चीज़ को अपील कर दिया, कहाँ, अपीलेट ट्राइब्यूनल में, जो WTO का जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है। अब अपीलेट ट्राइब्यूनल में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अपीलेट ट्राइब्यूनल का जो जजेस है वो अभी तक अपॉइंट नहीं हो पा रहे, क्योंकि US ने उस जजेस के अपॉइंटमेंट में कुछ प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया है। तो अब जो है ये क्योंकि जजेस अपॉइंट नहीं हो पा रहे, तो ये केस जो है वो मतलब मैटर जो अभी ठंडा हो चुका है, ठंडा एज इन कोई डिसीजन लेने वाला कोई अथॉरिटी नहीं है उसमें। सिंस देर आर नो अपॉइंटमेंट्स इन दी अपीलेट ट्राइब्यूनल, सो दैट इज़ वाई दैट द केस हैज़ बीन पुट टू होल्ड। सो मेनी कंट्रीज आर नाउ रिक्वेस्टिंग इंडिया टू गो फॉर मीडिएशन और आर्बिट्रेशन। तो इससे क्या है, इंडिया ये चीज़ बोल रहा है कि भाई नहीं हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम प्रॉपर हमें जजमेंट चाहिए, ताकि इंडिया को काफ़ी टाइम बाय करने मिल जाएगा। EU तो देखिए इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है तो इससे ठीक हो जाएगा। जापान और ताइवान तो चलिए ठीक है छोटा कंट्री है तो हम उससे चलिए ठीक है कैसे करेंगे। जापान को इस चीज़ का प्रॉब्लम क्या है, जापान ये चीज़ कर रहा है कि भाई आप अगर ऐसे जाओगे तो फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स और जो ट्रेड रिलेशन हमारे बिगड़ सकते हैं ये वो करके जापान ये चीज़ बोल रहा है। देखते हैं अब इंडिया इस चीज़ में क्या स्टेप लेता है, बट मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया कि केस का क्या बैकग्राउंड है। US डेट लिमिट का जो डील है वो अब कांग्रेस में पुटअप किया जाएगा, वोटिंग होगा इस चीज़ में। अब देखते हैं इसका क्या फाइनल डिसीजन होगा। ऑब्वियसली देखिए क्योंकि डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन्होंने खुद अग्रीमेंट किया है, मतलब स्पीकर और प्रेसिडेंट ने, तो हालांकि स्पीकर इज सपोज टू बी न्यूट्रल, बट एक बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने जब ये किया है डील किया है तो आई थिंक ये
पास तो हो ही जाना चाहिए कांग्रेस में, बट देखते हैं इसमें क्या क्या ऑब्जेक्शंस आएंगे, वो चीज़ का एक वैलिड पॉइंट ही देखना कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। फिर उसके बाद AI poses extinction risk says expert। देखिए AI का जो थोड़ा रिस्क है वो अभी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, हमारे को कई सारे काम AI ने टेक ओवर करना चालू कर दिया है ऑलरेडी, कई सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। इन्फोसिस में अगर आपको पता होगा तो इन्फोसिस ने ये चीज़ बोला भी है कि भाई चैट GPT जैसा चीज़ जो है वो हटा नहीं सकता इंडियंस को, सॉरी हटा नहीं सकता कोई भी ह्यूमंस को, बट इन्फोसिस ने खुद ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेके आया और खुद ही उसके कारण 300-400 एम्प्लॉयज को भी फायर कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें आई थिंक ओवरऑल न्यूज़ कवर हो गया। लास्ट के एक दो न्यूज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, FM रिव्यूज़ प्रमोशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। देखिए FM फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये चीज़ बोला है कि भाई हम जो है प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो, फायर का चीज़ इन्होंने बोला है, फायर मतलब दैट इज़ फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, रेलवेज एंड एक्सप्रेसवेज। तो इन्होंने ये चीज़ बोला है कि हम इस चार चीज़ों में काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बिल्डअप हो। इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है जो इंडिया में ग्लोबली हाई है, लगभग 6-8% के आसपास है, हम ये चीज़ नीचे लेके आना चाहते हैं लगभग चाइना के कंपेरिजन में, जैसे 1.5-2% के आसपास। तो ये सब बातें जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये चीज़ बोला है। और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, ओवरऑल आपके सारे न्यूज़ कवर हो चुके हैं। अगेन जो छोटे मोटे न्यूज़ जो बचते हैं वो या तो एकदम कंपनी स्पेसिफिक है या तो एकदम पॉलिटिक्स स्पेसिफिक है। जैसे मान लीजिए सुजलॉन का एनर्जी का इतना प्रॉफिट आया या BJP ने ये चीज़ करवाया है इस यात्रा को, तो ऐसा चीज़ मैं मुझे नहीं लगता ये आपके जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।